नमस्कार साथियों, आप लोग गुरुकुल श्याम चैनल पर आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स का बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है पेरिस ओलंपिक 2024, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए इस विषय वस्तु को कैसे हम याद रख सकते हैं, एक नवीन मेथड के द्वारा इसका अध्ययन करेंगे और आपको यह विषय वस्तु बहुत आसान तरीके से याद रहेगी। तो देखिए पेरिस ओलंपिक 2024, सबसे पहले इसको पॉइंट के आधार पर इसका अध्ययन करते हैं हम कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब प्रारंभ हुआ, 26 जुलाई और कब तक, 11 अगस्त तक। तो धारणा इस पेरिस ओलंपिक का आयोजन की जो शुरुआत हुई थी 26 जुलाई को ही और कब तक, 11 अगस्त तक यह ओलंपिक कार्यक्रम चला, ठीक है। स्थान कहां पर हुआ यह पेरिस ओलंपिक, तो धारणा नाम से पता चल रहा है पेरिस कहां पर है, फ्रांस में। तो इस पेरिस ओलंपिक का आयोजन कहां हुआ था, फ्रांस में पेरिस नामक स्थान पर। इसका जो उद्घाटन समारोह है वो उद्घाटन किया गया था इस ओलंपिक का, तो सीन नदी पर पेरिस फ्रांस में किया गया था, सीन नदी जो पेरिस में फ्रांस में है, ठीक ना। यह कौन सा संस्करण है, तो 33वां है, कौन सा है, 33वां है। और पेरिस ओलंपिक 2024 का जो शुभंकर है वो क्या है, ओलंपिक फ्रिज, क्या नाम है, ओलंपिक फ्रिज। तो ध्यान रखना हमने जो आयोजन कब से कब तक हुआ, स्थान कहां पर हुआ, उद्घाटन कौन सी नदी के किनारे पर हुआ, संस्करण कौन सा है, शुभंकर कौन सा है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखो इस पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेल शामिल किए गए, तो देखो 32 प्लस 4 नए खेल शामिल किए गए, मतलब 36 हो गए, 329 इवेंट इसमें जो है स्पर्धाएं की गई। तो धारणा 32 खेल और 4 नए खेल कौन से शामिल किए गए, तो ये आपको धारणा ब्रेकिंग और सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट, धारणा स्पोर्ट क्लाइंबिंग, क्या है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ये 4 नए खेल शामिल किए गए थे पेरिस ओलंपिक में। कुल कितने एथलीटों ने इस पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था, तो धारणा 10,714 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। भारतीय दल मानी भारत का कितने खिलाड़ियों का दल यहां से गया था, तो 117 खिलाड़ी का दल गया था, 16 खेलों में इन्होंने हिस्सा लिया था भारतीय खिलाड़ियों ने, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में, तो इसकी जो ओपनिंग समारोह जब हुआ था उसमें जो भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक थे वो एक थे पीवी सिंधु और एक थे शरत कमल, ये दो थे ओपनिंग समारोह में, ठीक ना। जब 11 जुलाई को ओपनिंग समारोह हुआ था, सॉरी 26 जुलाई को, कब हुआ था, 26 11 अगस्त तक तो क्या हुआ था, समापन हुआ था, 26 जुलाई को जब ओपनिंग समारोह हुआ था उसके ध्वजवाहक कौन थे भारत की तरफ से, पीवी सिंधु जो बैडमिंटन की खिलाड़ी थी और एक थे शरत कमल, ठीक है ना। और फिर आता है पेरिस ओलंपिक में समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन रहे थे, तो मनु भाकर और पीआर श्रीश, ठीक ना। तो मनु भाकर किससे संबंधित है, निशानेबाजी से, और पीआर श्रीश जो है वो किससे हैं, हॉकी से, ये भारत के हॉकी टीम के गोलकीपर थे जिन्होंने हाल में संन्यास लिया है, ठीक है। और पेरिस ओलंपिक में समापन जो हुआ वो 11 अगस्त 2024 को, स्थान कौन सा, स्टेड डिफ्रांस, और पेरिस में पूर्व जो है ओलंपिक आयोजन किए गए थे इससे पहले भी, एक तो 1900 और 1924, यानी ये तीसरी बार पेरिस में ओलंपिक का आयोजन किया गया है और वो कब किया गया, 2024 में, ठीक है। इस पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाला भी व्यक्ति कौन था, खिलाड़ी, वो फ्रांस का ही था, उसका नाम है लियोन मार्चेंट, फ्रांस का है, उसने 4 स्वर्ण 1 कांस्य पदक, मतलब टोटल 5 पदक जीते थे, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम देखते हैं पेरिस ओलंपिक में जो पदक विजेता देश हैं उनकी सूची, तो देखिए यहाँ पे क्रम से हम 5 जो देश हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले नंबर पर यहाँ पर अमेरिका रहा, दूसरे पे चीन रहा, जापान तीसरे पर रहा, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया, पांचवे पे फ्रांस रहा, ये टॉप 5 देश हैं जो पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक क्या जीते थे, इन्होंने पदक जीते थे, ठीक है ना। पदकों का डिसाइड हमेशा स्वर्ण पदक से होता है, जिसने ज्यादा स्वर्ण जीते हैं वो पहले नंबर पे होता है, ठीक है। अब आप देखो अमेरिका ने 40 स्वर्ण जीते हैं, 44 रजत पदक जीते हैं और 42 टोटल 126 पदक इसने जीते हैं, किसने, अमेरिका, पहला स्थान रहा है पेरिस ओलंपिक में। दूसरे नंबर पे चीन, चीन ने 40 तो क्या स्वर्ण जीते हैं और 27 रजत और 24 कांस्य, मतलब टोटल 91 पदक जीते हैं इसने, ठीक है। जापान ने 20 तो स्वर्ण पदक जीते हैं और 12 रजत पदक जीते हैं, 13 कांस्य जीते हैं, टोटल कितने हो गए, 45, ठीक है। उसके बाद में आप देखो ऑस्ट्रेलिया ने कितने, 18 स्वर्ण पदक जीते हैं, 19 रजत पदक जीते हैं और 16 कांस्य पदक और 53 इसके टोटल हो गए हैं, ठीक है। यहाँ फ्रांस है जो 16 स्वर्ण जीते हैं, 26 रजत और 22 कांस्य,
64। अब आप देखिए यहाँ पे 64, आप सोच रहे हो तीसरे नंबर पे आता, लेकिन हमने क्या कहा था, हमेशा जो क्रम डिसाइड होता है वो स्वर्ण से। इसकी स्वर्णों की संख्या 16 रह गई। अगर मान लीजिए यहां पर इसकी स्वर्ण संख्या 21 होती तब जाके तीसरे नंबर पे आता, ठीक है, 20 पे होता तब भी तीसरे नंबर आता, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए आप, हमेशा जो क्रम डिसाइड होता है वो स्वर्ण के हिसाब से होता है। हम देखेंगे भारत का, भारत का पेरिस ओलंपिक में कौन सा क्रम रहा है, 71वां, ठीक है। इसने जीरो, भारत ने जीरो कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है, और एक रजत पदक जीता है, 5 कांस्य पदक जीते हैं, टोटल 6 पदक भारत ने पेरिस ओलंपिक में जीते हैं, ये ध्यान रखना। आगे हम देखते हैं इसमें पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रदर्शन देखते हैं, तो देखो स्थान कौन सा रहा, 71वां भी पढ़ा हमने, कुल पदक जीते 1 रजत 5 कांस्य, टोटल 6 पदक जीते। खिलाड़ी जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक जीते, भारत के कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में पदक जीते हैं, एक मनु भाकर है जो निशानेबाजी में उसने 10 मीटर एयर पिस्टल में और 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल में जिसने क्या जीता, कांस्य पदक, ठीक है ना, ये जीता है। नीरज चोपड़ा जिसने भाला फेंक में कितना मीटर की दूरी पर फेंका, 89.45 मीटर पहले पे पाकिस्तान के नदीम, ठीक है ना। और तीसरे पे यहाँ पे भारत का सरबजोत सिंह जिसने निशानेबाजी में जीता है 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल में। फिर चौथे हैं स्वप्निल कुसाले जिसने निशानेबाजी 50 मीटर एयर पिस्टल में जीता है। और पांचवे पे अमन सेराव जिन्हें कुश्ती में 57 kg के ग्राम में जो है कांस्य पदक जीता है। और हॉकी, भारतीय हॉकी टीम ने भी कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक। इस प्रकार भारत के ये जो 6 खिलाड़ी हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में क्या है, अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 6 पदक दिलाए हैं, तो उनके नाम निम्न में से है। जैसे मतलब प्रश्न आ सकता है निम्न में से पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने वाला खिलाड़ी है भारत की तरफ से या नहीं है, तो आपका 3 नाम दे देगा, एक किसी और में से दे देगा, इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ।